हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, बट आगे की तीन वीडियो में हम इसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। तो आई होप आप ये सब वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखेंगे एंड आफ्टर ऑल दीज थ्री वीडियोज़ आपको समझ आ जाएगा कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता क्या है, राइट। तो हम इन सब वीडियोस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, कब आया माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। उसकी अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कंडीशन क्या है, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, रेडिएशंस कैसे आती हैं, इसके फीड मेथड्स क्या हैं। के फीड मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। अगर मैं बोलूं कि जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एंटीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। 1950 में इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम बॉब मॉसम। ओके, सो कैन बी हैपनिंग कि मैंने मौसम की स्पेलिंग गलत लिख ली है, आप चेक कर लीजिए अपने एंड पर, ठीक है। 1950 पे ये इंट्रोड्यूस हो चुका था, वर्ल्ड में आ चुका था, लोगों को पता था कि एक माइक्रोस्ट्रिप नाम का एंटीना होता है, बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। 1970s में ICs इन्वेंट हुई, आपको पता होगा 1970s वॉज द इरा ऑफ IC इन्वेंशन। जैसे ही IC इन्वेंट हुई, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की यूजेज आ गई, ठीक है। तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना सबसे ज़्यादा यूज़ तभी हुआ जब हमें पता लगा कि IC क्या होता है, ठीक है। तो 1970s में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसको यूजेज बढ़ गया, बिकॉज जो ICs थी उसने हर चीज़ का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया था। अगर अब मैं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यूज़ करती हूँ तो बहुत कॉम्पैक्ट सा एंटीना हो जाएगा, ठीक है। IC एक बहुत छोटी चिप होती है, अगर मेरी IC पर ही एंटीना बन गया तो एंटीना भी बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी एंड इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये सबसे नीचे एक मेरे पास एक स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड प्लेन, ठीक है। ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे मैंने इन दोनों को बनाया है। ये है ग्राउंड प्लेन, जो कि हमारे पास मेटल का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर है, स्क्वायर ही या रेक्टेंगुलर, जिसकी परमिटिविटी एप्साइलन आर है, ओके। इसे एप्साइलन आर ले लेते हैं, तो ये होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक पैच है। पैच कैसा है, पैच ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लेंगे उसका पैच बना देंगे। कैसे बनेगा ये पैच, विद द हेल्प ऑफ फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स देखे होंगे आई होप, तो आपको ये पता होगा VLSI में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से हम कोई भी पैच बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये चीज़ है, यहाँ से हम फीड कनेक्ट कर रहे हैं और पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर समझ आ गया है, ये वाला स्ट्रक्चर है क्या, ये ही मेरा टॉप व्यू कहलाता है, इसे मैं साइड व्यू बोलूंगी। अब टॉप व्यू और साइड व्यू होता क्या है,
ठीक है, अब मेरे पास लेट सपोज ये मेरा एंटीना है, ठीक है, इसे अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ टॉप व्यू, अगर मैं इसे यहाँ साइड से देखूंगी साइड व्यू, ठीक है। तो अब इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, एंटीना एक ही था, इसको या तो टॉप से देखा या साइड से देखा, तो ये दोनों सेम ही चीज है। अब इन दोनों सेम चीज में ये जो ये ब्लू पार्ट है ये है मेरा ग्राउंड प्लेन, ये चीज है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन आर, और ये चीज है पैच ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पैच ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये है हमारा पैच ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, ये डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर बना है एंड कनेक्टेड टू द फीड लाइन, यहाँ पर हमने फीड से कनेक्ट कर रखा है, एंड अदर एंड ऑफ द सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू मेटेलिक ग्राउंड प्लेन, इससे नीचे वाला पार्ट इसका दूसरा एंड सबस्ट्रेट का ग्राउंड प्लेन से कनेक्टेड है जो कि मेटेलिक स्ट्रक्चर है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि अब ये होता क्या है। अब आ जाते हैं कंडीशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस किसकी है, ये है हमारा एच हाइट, हाइट किस किस की, हाइट ग्राउंड प्लेन की और सबस्ट्रेट की मिलाकर हमने एच लिखी है, और ये टी है थिकनेस ऑफ द पैच, ठीक है। तो टी और एच के ऊपर हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, टी के ऊपर क्या कंडीशन होती है, टी और एच दोनों ही लेस देन लैम्डा नॉट होएगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन देखते हैं, टी की कंडीशन क्या होती है, लैम्डा नॉट अपॉन 3 इज लेस देन टी इज लेस देन लैम्डा नॉट अपॉन 2, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंडीशन है। उसके बाद आ जाते हैं एच की कंडीशन पर, 0.002 लैम्डा नॉट इज लेस देन एच इज लेस देन 0.05 लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये कंडीशन है एच के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं एप्साइलन के ऊपर, एप्साइलन की कंडीशन है 2.2 लेस देन एप्साइलन आर लेस देन 12, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होना चाहिए वो 2.2 और 12 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं ये फॉलो करनी चाहिए तभी हमारा माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बनेगा। अब आ जाते हैं शेप्स ऑफ पैचेस पर। अब हमारे कितने टाइप्स के माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पैच किस किस टाइप के हैं, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम अलग अलग चूज कर सकते हैं, ग्राउंड प्लेन में मेटल हम अलग अलग चूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये जो शेप रहेगी पैच की वो अलग अलग हो सकती है। तो मैं शेप के ऊपर क्लासीफाई कर रही हूँ, जो फर्स्ट शेप है, फर्स्ट शेप कुड बी स्क्वायर शेप, सेकेंड जो शेप है सेकेंड शेप है रेक्टेंगुलर शेप, थर्ड शेप को डायपोल शेप कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे विड्थ बहुत कम है, हाइट बहुत ज्यादा है तो पैच ही रेक्टेंगुलर पैच ही है, बट यहां पर कंडीशन रहेगी कि हाइट बहुत ज्यादा है विड्थ बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पैच होगा हमारे पास, उसके बाद होगा हमारे पास सर्कुलर पैच। फिर एलिप्टिकल पैच, एलिप्टिकल पैच के बाद आ जाते हैं एन्युलर पैच, ठीक है, और उसके बाद होता है डिस्क पैच। या फिर हमारे पास सर्कुलर की भी और बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सर्कल कितना बड़ा है, ठीक है। एलिप्टिकल में भी हम कितना भी साइज का ले सकते हैं। सो ये बहुत टाइप के पैचेस होते हैं, पैचेस पर डिपेंड करता है कि हमारा कौन से टाइप का माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है। अब आ जाते हैं रेडिएशंस पर, रेडिएशंस कैसे जनरेट हो रही हैं। ये हमारा माइक्रोस्ट्रिप स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है ये मेरी फीड है,
ये क्या है? ये है मेरा डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट। ये ब्लू वाला ग्राउंड प्लेन। और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप देखें इसे, ये है कंडक्टिंग पैच। तो क्या करेंगे, यहाँ फीड से जैसे ही हम पावर सप्लाई करते हैं, यहाँ से करंट जाता है। करंट को जैसे ही कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी मिलती है, जैसे यहाँ पर से जब करंट जा रहा था तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल इवन था, ठीक है, इस एरिया में। जैसे ही वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पर स्ट्रक्चर की विड्थ बढ़ रही है, राइट, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रेडिएशंस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल होगा, बट यहाँ पर तो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, कोई विड्थ चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोई रेडिएशंस जनरेट नहीं होगी। जैसे ही यहाँ एंड पर पहुँचे, एकदम सडन से डिसकंटिन्यू आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो यहाँ पर फिर से रेडिएशंस जनरेट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या इन्फेरेंस निकाला, यहाँ से इन्फेरेंस ये निकाला है कि जैसे ही मेरे पास कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है तो नो रेडिएशन। और अगर मेरे पास डिसकंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी से रेडिएशंस जनरेट हो जाएगी। अब आ जाते हैं माइक्रोस्ट्रिप एरे के ऊपर। माइक्रोस्ट्रिप एरे क्या होता है, ठीक है, यही हमारे पास सेम डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है, इसके नीचे हमारे पास ग्राउंड प्लेन है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पैच था, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मल्टीपल पैचेस ले लूँगी, बहुत सारे पैच बना दिए, तो ये हो जाएगा माइक्रोस्ट्रिप एरे, ठीक है। यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो माइक्रोस्ट्रिप एरे क्या हुआ, माइक्रोस्ट्रिप एरे हुआ, वी हैव मल्टीपल पैचेस, मल्टीपल पैचेस हैं यहाँ पर, कंडक्टिंग मटेरियल के पैचेस हैं ये सब, इन्हें डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर बना रखा है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्ट्रिप एरे। एरे किस लिए बनाते थे, जैसे ही हम एरे बनाते थे हमारा गेन इंक्रीज हो जाता था। गेन जब इंक्रीज हो रहा है तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड एडवांटेज है कि यहाँ पर लेस इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो ये तीनों एडवांटेज है, यहाँ पर गेन और रेंज किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि हमने एरे बना दिया है। जब भी हम एरे बनाते हैं डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो गेन अपने आप इंक्रीज होगा, रेंज अपने आप इंक्रीज होगी। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि इसकी ऑपरेशनल बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फीडिंग पर। अब मेरे पास एरे है, इसको फीड करना है, तो हमारे पास दो टाइप की फीडिंग होगी एरे को फीड करने के लिए, सीरियल फीडिंग एंड पैरेलल फीडिंग। सीरियल फीडिंग हमारे पास किस टाइप की होती है, लेट सपोज ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पैचेस हैं, ठीक है, डिफरेंट पैचेस को मैंने सीरियली कनेक्ट कर दिया, सीरियली उनको फीड किया है। ये हो गई पैरेलल फीडिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट पैचेस हैं, उनको पैरेलली फीड करें, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल और पैरेलल फीडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, इनके फायदे क्या होते हैं। सीरियल फीडिंग है सिंपल टू मॉडल, सिंपल टू फैब्रिकेट, क्योंकि हमने सीरियली कनेक्ट कर दिया तो बहुत सिंपल है मॉडलिंग करना, बहुत सिंपल है इसे फैब्रिकेट करना। वेयर एज यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा पैरेलल कनेक्शन बनाने हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टू मॉडल। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड टू फैब्रिकेट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर यहाँ पर एक किसी भी फील्ड में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वहाँ एक फील्ड के चेंज की वजह से ओवरऑल गेन चेंज हो जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास मोर कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है. और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर गेन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर गेन थोड़ा कम हो जाएगा. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता क्या है और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है. अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. और अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेक्ट करना है मेरे साथ, यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है. तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. आई होप आपके एग्जाम्स में अगर इसमें से कुछ आए तो यू विल बी गिविंग द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है. तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑल्सो यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.